स्टेडियम के ग्राउंड भाई, ये झूले लगाने की बात है, ये शेड की बात है, चार दीवारी की बात है, और अगली बार भाई जीते हमारे को प्रोग्राम होके लेगा तक इसमें आगे वहाँ दौड़ के लिए एक अच्छा ग्राउंड आप बनवाए। 400 मीटर के ट्रैक के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है। गांव की 36 बरादरी के दुख सुख में शरीक होता है ये भाई, और उसी का परिणाम है कि इनको बार बार याद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार करें हमारे YouTube चैनल में। और गांव बुपणिया में नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता लड़के व लड़कियों की आयोजित की जा रही है, आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बुपणिया गांव के युवा सरपंच हैं भाई जीते, और यह जिस मैदान में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, हाल ही में तैयार किया गया है, सरपंच साहब के प्रयास से बात करेंगे। सरपंच साहब, कबड्डी का क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए? संजय भाई राम राम चल आपके राम राम भैर के गाँव। संजय भाई, हमारे गांव में एकता है, हमारा एक पीछा गांव है, पूरे गांव में 36 बरादरी का प्यार है, हमारे गांव में खेलों की भावना बहुत ज़्यादा है, और आप विजय भाई अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं जी। और पहलवान भी अच्छे हुए हैं, खाड़ा भी चल रहा बढ़िया है, और कबड्डी के भी नेशनल तक की लड़कियाँ आगे जा रही है, यही विनती करते और आगे बढ़ाए जी। और देखिए, युवा सरपंच साहब ने यहाँ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है, प्रोत्साहित किया है, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है, और ये जो टूर्नामेंट है यह निश्चित तौर से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एक बेहतर आयाम स्थापित करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ लड़कियों की जो जूनियर लड़कियां हैं, सब जूनियर लड़कियां हैं, उनकी कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जीते स्वयं एक अच्छे पहलवान रहे हैं, आपके लड़का भी पहलवानी कर रहा है, और छोटा भाई जी बताना चाहिए। मेरा छोटा भाई है, 9 तो सीनियर गोल्ड मेडल है, और 3 वो बार देश के टूर है जी। और वर्तमान में जो जैवीर अखाड़ा बुपणिया है, उसमें भी समय समय पर प्रधान जी पहुंचते रहते हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहते हैं, और आज बुपणिया गांव में आयोजित यह विशाल कबड्डी प्रतियोगिता जो निश्चित तौर से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद साबित